बीजेपी नेता राधेश्याम राठिया का जन्म 12 जून 1972 को रायगढ़ जिले के छर्रा टांगर गांव में हुआ। उनके पिता का नाम स्वर्गीय लीला राम राठिया है। राधेश्याम राठिया ने हायर सेकेंडरी तक की शिक्षा हासिल की है। उनकी पत्नी का नाम निद्रावती राठिया है। राधेश्याम राठिया ने 1995 में अपने गाँव के उप सरपंच के रूप में सक्रिय राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। 1995 से 2000 तक वे अपने गाँव छर्रा टांगर के निर्विरोध अध्यक्ष रहे। फिर 2000 से 2005 तक उन्होंने रायगढ़ जिला पंचायत के सदस्य के रूप में काम किया। 2005 से 2010 तक राठिया जनपद पंचायत घरघोड़ा के अध्यक्ष रहे। फिर साल 2010 से 2015 तक सदस्य जिला पंचायत रायगढ़ रहे। 2015 से 2020 तक निर्विरोध जनपद पंचायत सदस्य घरघोड़ा रहे। राधेश्याम राठिया भाजपा संगठन में भी कई जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। वे 1991 से 2005 तक रायगढ़ जिला कार्य समिति के सदस्य रहे। 2004 से 2005 तक वे भाजपा घरघोड़ा मंडल के अध्यक्ष रहे। 2010 से 2015 तक उन्होंने छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्य समिति के सदस्य अनुसूचित जनजाति मोर्चा के रूप में सेवा की। 2014 से 2018 तक उन्होंने रायगढ़ जिला अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष के पद पर काम किया। 2017 से 2021 तक उन्होंने भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया। राधेश्याम राठिया वर्ष 2014 से 2018 तक सदस्य परियोजना मंडल एकीकृत विकास परियोजना धर्मजयगढ़ रहे। इसके अलावा 2017 से 2021 तक अध्यक्ष लघु वनोपज समिति के निर्विरोध अध्यक्ष भी रहे। 2023 के विधानसभा चुनाव में वे संचालक बनाए गए थे। 2024 में बीजेपी ने रायगढ़ लोकसभा सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनपीटी न्यूज़।